Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनेडियन वजीर आजम का भारतीय किसानों के हक में बयान, भारतीय वजीर की जस्टिन ट्रूडो पर तनकीद। ट्रूडो का कहना था कि कनाडा हमेशा पुरअमन एहतजाज करने वालों के हकूक के दिफा के लिए खड़ा है। टोरंटो में मुसलसल दूसरे रोज कोरोना वायरस के रिकॉर्ड केसेस, गुज़िश्ता 24 घंटों में 761 नए केसेस सामने आए। हुकाम का कहना है कि शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। कनेडियन वजीर आजम मुल्क में वैक्सीन की जल्द अज जल्द फराहमी के लिए कोशां। अपोजिशन का वैक्सीन का मामला पार्लियामेंट में ले जाने का फैसला। वैक्सीन के हुसूल में ताखीर पर हुकूमत पर तनकीद। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से कनाडा भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा जारी। 383,468 अफराद मुतासर, हलाकतों की तादाद 12,211 हो गई। तिजारती जंग, चीन का अमरीका को जवाब। अमरीका बरामद करने वाली कंट्रोल मसनूआत पर सख्त कानून मुतारिफ। माइक पोम्पियो का कहना था कि सदर ट्रंप चीनी मलकियत वाले सॉफ्टवेयर्स के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेंगे। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 6,42,47,000 से ज्यादा अफराद मुतासर और 14,87,936 संबात हुई हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Greenish hand sanitizer, Ala Clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में मौजूद पंजाब के बाशिंदों से खताब करते हुए कहा था कि भारत में किसानों के एहतजाज के हवाले से आने वाली खबरों की बात ना करूं तो मैं पूरी बात नहीं कर पाऊंगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से भारत में जारी किसानों के शदीद एहतजाज की हिमायत में दिए गए बयान के बाद भारत की जानिब से सख्त रद्द अमल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में मौजूद पंजाब के बाशिंदों से खिताब करते हुए कहा था कि भारत में किसानों के एहतजाज के हवाले से आने वाली खबरों की बात ना करूँ तो मैं पूरी बात नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि हालात खराब हैं, हम सब इन दोस्तों और उनके खानदानों के लिए परेशान हैं और हम जानते हैं कि आप में से ज्यादातर के लिए हकीकत है। उनका कहना था कि कनाडा हमेशा पुरअमन एहतजाज करने वालों के हकूक के दिफा के लिए खड़ा है। हम मुज़ाकरात के अमल पर यकीन रखते हैं। कनाडा के वजीर आजम ने कहा था कि हमने अपने तहफ़ुज़ात मुख्तलिफ तरीकों से भारतीय हुकाम तक पहुंचाए हैं। ये वक्त हम सबको मुत्तहिद होकर चलने का है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो भारत में किसानों के एहतजाज पर आवाज बुलंद करने वाले पहले आलमी रहनुमा हैं। दूसरी जाने भारतीय हुकूमत ने फौरी रद्द अमल देते हुए कनाडा के वजीर आजम का नाम लिए बगैर कहा कि कनाडा के रहनुमा का बयान नाकिस मालूमात और गैर जरूरी है। भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि हमने भारत में किसानों से मुतालिक कनाडा के रहनुमा की नाकिस मालूमात पर मबनी बयान देखा है। इस तरह के बयानात गैर जरूरी हैं और खासकर जब ये किसी जमहूरी मुल्क के अंदरूनी मामलात से मुतालिक हों। उन्होंने कहा कि सिफारती गुफ्तगू को सियासी मकासद के लिए सियाक व सबाक से हटकर बयान न करना बेहतर होगा। ख्याल रहे कि भारत में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने ज़रई इस्लाहात मुतारिफ करवाई थी जिसके खिलाफ हजारों किसानों ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली की तरफ मार्च शुरू कर दिया था। सूबाई अदाद शुमार के मुताबिक टोरंटो में 727 केसेस रिपोर्ट होने के बाद डॉक्टर एलन डी विला की जानिब से बताया गया कि ये तादाद 761 तक पहुंच गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में मुसलसल दूसरे रोज कोरोना वायरस के रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। मंगल के रोज टोरंटो में कोरोना वायरस के 761 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एलन डी विला का कहना है कि ये हमारे लिए वाज़ह वार्निंग है कि हमें इस वायरस को रोकने के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा
करना चाहिए। सूबाई आदाद शुमार के मुताबिक शहर में 727 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद डॉक्टर एलन डी विला की जानिब से बताया गया कि ये तादाद 761 तक पहुँच गई है। कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले हर 5 में से 1 या 21% वो लोग हैं जो इन्फेक्शन के दौरान किसी के घर गए थे और वहां कम से कम 10 अफराद मौजूद थे। मिसिसागा की मेयर ने ऐलान किया है कि 1100 के करीब पार्ट टाइम मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग किया जा रहा है। शहरी इंतजामिया को माली मुश्किलात का सामना है, जिसके सबब यह फैसला किया गया है। दूसरी जानिब फॉर्ड हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत कोरोना वबा से निमटने के लिए शहरियों की हर मुमकिन मदद कर रही है और इस सिलसिले में हुकूमत 12 साल और इससे कम उम्र के बच्चों के वालदैन की माली इमदाद के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। प्रीमियर डकफोर्ड का कहना है कि छोटे बच्चों के वालदैन को एक्स्ट्रा माली इमदाद दी जाएगी ताकि वो कोरोना वबा के दौरान पड़ने वाले माली दबाव को बर्दाश्त कर सकें। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि मुल्क भर में जल्द अज जल्द कोरोना से बचाव की वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। कनाडा ने मॉडर्ना के साथ मिलकर 94.1% मौसर साबित होने वाली 20 मिलियन खुराकें महफूज की हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि मुल्क भर में जल्द अज जल्द कोरोना से बचाव की वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। कैनेडा ने मॉडर्ना के साथ मिलकर 94.1% खुराकें महफूज की हैं। ट्रूडो का कहना है कि आजाद साइंसदान वैक्सीन बनाने वाली 4 कंपनीज की जानिब से फराहम करदा डेटा का जायजा ले रहे हैं, जबकि शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए वैक्सीन की जल्द फराहमी जरूरी है। ताहम इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि वैक्सीन शहरियों के लिए महफूज है। दूसरी जानिब कैनेडा की हिजबे इख्तलाफ की जमात कंजर्वेटिव ने वैक्सीन के मामले को पार्लियामेंट में ले जाने का फैसला किया है। वफाकी कंजर्वेटिव मॉन्ट्रियल में नेशनल रिसर्च काउंसिल की सहूलत को खत्म करने के लिबरल हुकूमत के मंसूबे की पार्लियामानी कमेटी की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं ताकि COVID-19 की वैक्सीन की तैयारी शुरू की जा सके। अगस्त में लिबरल्स ने इस बात की तस्दीक की थी कि चीनी हुकूमत की जानिब से कैनेसिव बायोलॉजिक्स में क्लिनिकल ट्रायल्स में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन के नमूने रोकने के बाद कैनेसो बायोलॉजिक्स के साथ शराकत खत्म हो गई थी। कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह एरन ओटोल ने चीन पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करने पर लिबरल हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कनाडा में क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 1,43,548 हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कनाडा भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 383,468 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 12,211 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 1,43,548 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 784 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,18,199 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,663 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 59,484 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 551 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 33,894 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 457 है। अमरीकी इकदाम के जवाब में चीन ने अमरीका बरामद करने वाली कंट्रोल्ड मसनूआत पर सख्त कानून मुतारिफ करा दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी इकदाम के जवाब में चीन ने अमरीका बरामद करने वाली कंट्रोल्ड मसनूआत पर सख्त कानून मुतारिफ करा दिया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये नया कानून बिलखसूस मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ऐसी मसनूआत पर लागू होगा जिसकी बरामद से चीन की कौमी सलामती को खतरा लाहक हो। चीन ने यह फैसला अमरीकी इकदाम के बदले में किया है, जिन्होंने ऐसा ही फैसला किया था। ख्याल रहे कि अगस्त में अमरीका ने मुल्की सलामती को खतरे के बायस चीनी सॉफ्टवेयर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना था कि सदर ट्रंप चीनी मिल्कियत वाले सॉफ्टवेयर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माइक पोम्पियो ने कहा कि टिकटॉक ऐप बराह रास्त कम्युनिस्ट पार्टी को डेटा फराहम कर रही है। अमरीका में लातादाद कंपनियां हैं जो शायद चीनी हुकूमत को डेटा भेज रही हैं। अमरीकी वजीर खारजा का मजीद कहना था कि डेटा में चेहरे की शनाख्त, पता और फोन नंबर शामिल हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने कहा है अब बहुत हो गया, हम अब मसला हल करेंगे।
दुनिया में कोरोना के 4,44,92,710 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 1,82,66,000 से ज्यादा ज़ेर इलाज हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 6,42,47,000 से ज्यादा अफराद मुतासर और 14,87,936 अमवात हुई हैं। दुनिया में कोरोना के 4,44,92,710 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 1,82,66,000 से ज्यादा ज़ेर इलाज हैं। अमरीका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहां 2,76,979 अमवात और 1,41,08,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,38,159 और 94,99,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमू तादाद 1,73,862 और 63,88,000 से ज्यादा अफराद मुतासर है। रूस में 23,47,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमू तादाद 41,053 है। फ्रांस में 22,30,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 53,506 जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन में 16,73,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं, जबकि 45,511 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में 16,43,000 कोरोना केसेस और 59,051 अमवात रिपोर्ट हुई है। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 31वें नंबर पर पहुँच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,907 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,57,623 तक जा पहुंची है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe.